नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, भगवान शिव को मृत्युंजय कहा गया है, जिसकी साधना से व्यक्ति के बड़े से बड़े संकट आसानी से टल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं शिवलिंग क्या है, इससे जुड़े चौंकाने वाले रहस्य और शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है और इसको पूजा करने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, हमारे पुराणों और शिव महापुराण में बताया गया है कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याणकारी देवता माना गया है। शिव के पूजा से सारे मनोकामना आसानी से पूरे हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, उसको जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। शिवलिंग की पूजा करने से आपको शिव की कृपा प्रदान होगी। हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है शिवलिंग की पूजा। व्यक्ति के विचारों और सकारात्मक वृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा अति आवश्यक है। परिवार में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए, उसे जल अभिषेक करें और पूजा पाठ ध्यान लगाकर करें। शिवलिंग की पूजा करने में मानसिक शांति, काम काज में सफलता और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव बड़े दयालु है, वे सभी भक्त को आसानी से दया दृष्टि प्रदान करते हैं। महादेव के पूजा अगर सच्चे मन से किया जाए तो अत्यंत लाभ मिलता है, आपके सारे मनोकामना तुरंत ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप जल आदि चढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिव जी की प्रतिमा पर शिवलिंग पर दूध, जल, गुलाब और गेंदा किसी पंडित या पुजारी से पूछकर ही चढ़ाएं। यदि आप फूल चढ़ाना चाहते हैं तो आपको धतूरे, चमेली, जूही की फूल चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग के पर प्रसाद में फल, मिठाई आदि का ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन सामने रखा गया प्रसाद अवश्य ले सकते हैं। भगवान शिव जी की प्रतिमा के पूजा से पहले पार्वती जी का पूजन करना आवश्यक माना गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को त्रिकालदर्शी और महाकाल कहा गया है और भगवान शिव स्वयंभू हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से सारे दुख दरिद्र छूमंतर हो जाते हैं, इसलिए भगवान शिव की नित्य दिन पूजा करें, प्रार्थना करें और मन में मनोकामना लेकर अपने आप को समर्पित करें, जिससे आपको सच्चे दिल से